गूगल ने अपने यूट्यूब क्रिएटर के लिए एक एडिटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो आप लोगों को मिल जाएगा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। तो ये एडिटिंग एप्लीकेशन में आप लोग अपने वीडियो को कैसे एडिट करोगे, ये जो एप्लीकेशन है ये क्रिएटर के लिए भगवान है या हेवन है, ये आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बुद्धो टेक्निकल। आप सभी लोगों के साथ है, आप लोग का बुद्धो ज्यादा बिल्कुल नहीं करके चलो आज का टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, YT क्रिएट का जो एप्लीकेशन है उसको सिंपली आप लोगों को आपके जो मोबाइल है उसमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसमें आपका जो जीमेल है उसको लॉगिन कर देना है इस पर। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है मैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करूँगा, उस पर वीडियो पर क्लिक कर दूँगा। वीडियो पर क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो आप इधर इम्पोर्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लो, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने एक सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इम्पोर्ट पर क्लिक कर दूँगा। मैं ये वीडियो जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, मतलब कि इधर कौन कौन सा सेटिंग वगैरह है वो सब कुछ मैं दिखाने के लिए इधर देख रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को इधर आप लोगों को सबसे पहले जो ऑप्शन आता है स्प्लिट का, आप लोगों को इधर मैं दिखाता हूँ नीचे वाला ऑप्शन पे आप लोग फिर से क्लिक कर दोगे तो स्प्लिट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो एक्चुअली स्प्लिट क्या है, आप लोग मान लो आप लोग वीडियो में किसी भी पोर्शन पर आप लोग पॉज लिए हो, ठीक है, मतलब कि उस टाइम पे आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो उसको आप लोगों को कट करना है। तो सिंपली आप लोगों को ये इधर से मैंने कट किया है, तो सिंपली स्प्लिट का क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैंने फिर से जिधर से चालू किया है तो जिधर से चालू हो रहा है वीडियो उस पर मैं सिंपली क्लिक करके फिर से प्लीज कर स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट करने के बाद सिंपली ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये तो बेकार है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद आप लोगों को ये देख सकते हो मेरा वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को फिर से आप लोगों को लेके जाऊंगा जो फिल्टर वाला ऑप्शन है। फिल्टर का जो ऑप्शन है इधर आप लोगों को कलर ग्रेडिंग मतलब कि ऑलरेडी करके दिया हुआ है, आप लोग इधर से सिंपली क्लिक करके कलर ग्रेड कर सकते हो। तो इधर ये जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है ये अच्छा लगा। उसके बाद फिल्टर के बाद इफेक्ट आता है, इफेक्ट पर आप लोगों को कटआउट जो है ये लगता है मुझे ग्रीन स्क्रीन है, हाँ ये वही है, आप लोग मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो इजिली रिमूव करना है तो उसके लिए ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा है, मिला तो है भाई। उसके बाद आते हैं एडजस्ट पे, तो आप लोग इधर प्रॉपरली ब्राइटनेस वगैरह आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, अपने जो वीडियो है उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये एडजस्ट और स्पीड भी मिलता है आप लोगों को इधर, स्पीड मतलब कि आपका जो जो टाइमलाइन में स्पीड चलता है इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपका जब उसके बाद आप लोग इधर वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो अगर वीडियो मतलब कि वीडियो का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। और ये क्या है, ये तो आप लोग को ऑडियो क्लीनअप का भी एक ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग ऑडियो क्लीनअप पे क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आपका जो वीडियो का नॉइज वगैरह है वो सब कुछ रिमूव करके आपके सामने आ जाएगा। तो देख सकते हो वर्सर का अपडेटेड 3 सेटिंग्स जो बहुत ही कम लोगों को पता है, इस तरह की टेक वीडियो और देखने के लिए आपका जो वीडियो का जो मतलब की टेम्पलेट है उसको आप लोग रोटेट वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो रोटेट वगैरह सब कुछ इधर कर सकते हो, मैं फिर सिंपली रोटेट नहीं करूँगा। उसके बाद रिप्लेस भी कर सकते हो इधर से, आप अगर किसी और वीडियोस को डालना चाहते हो वो भी आप लोग इधर से रिप्लेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को सिंपली ये हो गया, उसके बाद डिलीट वगैरह और डुप्लीकेट वगैरह ऑप्शन भी रहता है, ठीक है, इसको आप लोग रख सकते हो। उसके बाद आप लोग अगर थोड़ा सा नीचे क्लिक कर दोगे तो इधर टेक्स्ट वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, आप लोग प्लेन टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो इधर से, जैसे मान लो ऐसे प्लेन टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। और आप लोग टेक्स्ट पे जाके फिर से आप लोगों को टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा इंटरनेट नहीं मैंने ओपन किया इसलिए ये दिखा नहीं रहा है, स्टिकर भी ऐसा कुछ दिखाएगा नहीं, मैंने इंटरनेट ओपन नहीं किया। और वॉइस ओवर आप लोग साउंड भी इधर कैप्शन भी इधर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग यूट्यूब विल प्रोसेस योर मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन इन सर्वर, ठीक है, उस पे क्लिक करके आपका जो मतलब कि मैं सिंपली इसको एनेबल करके दिखाता हूँ, अगर होता है तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। कैप्शन पे क्लिक करके आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को कैप्शन ऑल वीडियोस पे क्लिक करके, ठीक है। और उधर आप लोगों को मतलब कि लैंग्वेज किस भी लैंग्वेज पे आप लोगों को कैप्शन चाहिए, इंग्लिश पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, जनरेट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा टाइम वेट कर देना है इधर, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आपका जो ये जो वीडियो है वीडियो का जो कैप्शन है कैप्शन आप लोगों के साथ सामने रेडी होकर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा लगा भाई, ये वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। और बताना भूल गया, इधर आप लोग इधर एक्सपोर्ट कैसे करोगे, तो मान लो टाइम लगेगा ये जो जनरेट होने में थोड़ा सा, तो देख सकते हो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए तो सबसे पहले आप लोग इस पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप लोगों को जो भी मतलब कि ट्रांसफॉर्म में चाहिए, मेरा तो हाई है अभी, इस पे क्लिक करते आप लोगों को ये देखो शुरू हो गया,
नहीं चाहिए। इस तरीके की टेक वीडियोस और देखने के लिए बुद्धू टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि अपने दोस्त है उन लोगों को भी पता चले। तो इस वीडियो में आप तक मिलते हैं अगली किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।